हेलो दोस्तों, हाय, आई एम प्रफुल्ल महाजन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक, थ्योरी ऑफ मशीन, जैसे मशीन की अगर हम बात करते हैं कि मशीनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मशीनों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते आज के अत्याधुनिक जीवन में। ठीक, तो वो आगे हम देख रहे हैं भाई, एक तरह का जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एज ये भी एक मशीन है। पंखे के नीचे बैठा हूँ, पंखा भी एक तरह की आपकी मशीन है। तो जहाँ भी आप जाइए, मशीनें आपके साथ में ही चलती है। ठीक, तो चाहे हाथ की घड़ी हो या फिर और भी बाकी चीज़ें जो आप अंडरस्टूड है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अब ये जीवन में उपयोगी होने के साथ साथ अगर हम इसकी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है मैकेनिकल से, तो एज अ स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिक्स के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के आगे हम मशीनों में और आगे जा कर के मशीनों को या चाहे सुधारने की बात हो या फिर उनमें और नया कुछ डेवलप करने की बात हो, जब हम उसके बेसिक तो अगर हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो आगे जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो भाई, किसी भी मर्ज की दवा जानने के लिए आपको उस मर्ज के बारे में पता होना चाहिए कि वो है किस टाइप का। तो सेम वैसा ही है आपकी मशीन, कि मशीन को आगे आप आगे अच्छा बनाने के लिए या उसमें कुछ और अन्य अच्छा सुझाव करने के लिए, सुधार करने के लिए आपकी मशीन के एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, जैसे ही मशीन को हम देख रहे हैं कि आपके सामने एक मशीन रखी हुई है। अब मशीन की अगर हम बात करते हैं, तो मशीन आपकी अगर हम नॉर्मल तरीके से ले तो आपकी ये रिजिड बॉडी से मिलकर के एक तरह का पेयर बनता है, पेयर से मिलकर के आपकी एक मैकेनिज्म बनती है, और मैकेनिज्म को आगे हम बहुत सारी एक साथ में अगर मैकेनिज्म जोड़ते हैं तो आपकी बनती है एक तरह की मशीन। ठीक, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत चीज़ें क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो से आपके आपके वीडियो इसके साथ लगातार आपको मिलते जाएंगे। पहले चैप्टर में आज का जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, इसमें हम पढ़ने वाले कंटेंट्स में सिंपल मैकेनिज्म के बारे में, कि सिंपल मैकेनिज्म क्या होती है। भाई, मैकेनिज्म मतलब आपकी, जैसे मैंने बताया था कि भाई हमने चार रिजिड बॉडी को आपस में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में मान लीजिए चार ऐसी रिजिड बॉडीज़ को आपस में जोड़ दिया और ये आपस में कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट करना एज अ इनकी ये मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड लिंक्स, मतलब कि जो आपकी लिंक है और या फिर आपकी जो जो पेयर्स है ना, इनके आपस में क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। लिंक की बात बड़ी सिंपल है, दो डिजिट बॉडी को अगर हमने आपस में जोड़ दिया तो वो कहलाता है आपका लिंक। चैन भी आपकी बहुत सारी लिंक का कॉम्बिनेशन है। ठीक, पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट्स आपके अलग अलग तरीके के पॉइंट्स मिलते जाती है। ये जैसे हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये एक लिंक कहलाई, और जोड़ दिया तो वो दो लिंक कहलाएगी। पॉइंट्स मतलब इसमें आपके और भी पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ने वाले डायनेमिक्स, फोर्स एनालिसिस, क्रैंक एफर्ट डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ने वाले हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली है। डायनेमिक्स जैसे फ्लाईव्हील हमने देखा, क्रैंक फ्लाईव्हील, ये आप ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप गाड़ी की अगर बात लेते हैं तो यहाँ पे फ्लाईव्हील का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इंजन में आपको कंटिन्यूस पावर नहीं मिल पाती, और जो उसके आइडियल पावर होता है जब आपकी गाड़ी रेस्ट आइडियल कंडीशन में होती है, जब वो एग्जॉस्ट वगैरह करती है उस समय, जब सक्शन करती है उस समय उसके पास पावर थोड़ी होता है, पावर स्ट्रोक तो सिर्फ एक ही होता है। तो उस समय जो आइडियल कंडीशन है, उस समय जो आपकी गाड़ी उसको कंटिन्यूस करने के लिए आपकी फ्लाईव्हील यूज़ की जाती है। फ्लाईव्हील को हम एक तरह से बोल सकते हैं एज अ स्टोरेज डिवाइस, ये स्टोर करने का काम करती है। ठीक, ब्रेक्स एंड डायनामोमीटर के बारे में हम पढ़ने वाले कि ब्रेक्स और डायनामोमीटर क्या होते हैं। तो ब्रेक्स, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक्स आपके बहुत तरीके के होते हैं, मशीनों में यूज़ होते हैं, गाड़ियों में यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारी जगह आपके ब्रेक्स यूज़ किए जाते हैं। डायनामोमीटर की भी बात करने वाले कि डायनामोमीटर क्या होते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन, कि पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है। भैया, एक पावर है अपने पास में, एक इस एरिया में मान लो एक के पास में एक पावर है, इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम उस पावर को कैसे पहुँचाएंगे। तो आपके और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं, जैसे हमने देखा है रोप होते हैं, बेल्ट होती है, चैन होती है, ये सारे आपके होते हैं पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस। ठीक, गवर्नर की अगर हम बात करें, गवर्नर भी होते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं केम्स एंड फॉलोवर्स, तो केम और फॉलोवर हम इसके बारे में पढ़ने वाले। ये एक तरह की कंट्रोलिंग या रेगुलेटिंग डिवाइस होती है। बैलेंसिंग ऑफ मशीन की बात करने वाले
कि बैलेंसिंग ऑफ मशीन भाई लाइफ में हो चाहे आपकी पढ़ाई में हो किसी भी फील्ड में हो बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वही हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मशीन अगर आप बना रहे हैं तो मशीन को बैलेंस रखना भी बहुत आवश्यक है, तभी आपका पर्टिकुलर डिज़ायर्ड आपका वर्क करके दे पाएगी आपकी मशीन। ठीक, वाइब्रेशन की बात करेंगे हम इसमें आगे कि वाइब्रेशन क्या होता है, अलग अलग टाइप्स पढ़ने वाले कि वाइब्रेशन के यूज़ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कैसे हम इसको और अच्छे तरीके से इसमें कुछ सुधार करके और उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अभी आप जो सुन रहे हैं ये आप बताइए, मेरे आप वाइब्रेशन के कारण ही मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं ना। तो चलिए इसके बाद हम देखने वाले गियर्स एंड गियर ट्रेन के बारे में। तो इतने टॉपिक्स हमें इस में कवर करने हैं, तो आगे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपके सारे के सारे टॉपिक अब देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स में हमने देखा ये तो सारे इसके पहले जो हमारे टॉपिक थे वो आपके बहुत जो इतने जो टॉपिक दिए हुए थे ये सारे के सारे आपके डेली आपके लेक्चर्स में अपलोड किए जाएंगे। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को पढ़ने वाले सिंपल मैकेनिज्म के बारे में। तो अब सिंपल मैकेनिज्म के भी जो सब टॉपिक है वो देख लेते हैं कि सिंपल मैकेनिज्म में क्या क्या टॉपिक आएंगे। ठीक, सिंपल मैकेनिज्म मतलब सरल यंत्रावली अगर हिंदी में अगर हम बात करते तो इसमें हम आज में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके बाद स्टैटिक क्या होगा, डायनेमिक्स क्या होगा, काइनेटिक्स क्या होगा, काइनेमेटिक्स क्या होगा, काइनेटिक पेयर क्या होगी, काइनेटिक चैन क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगा, मशीन इन्वर्जन क्या होगा और रिलेशन क्या होगा उनके आपस में। ठीक है, लिंक के बीच में नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या होगे, नंबर ऑफ पेयर्स क्या होगे, फोर बार चैन मैकेनिज्म क्या होगी, इन्वर्जन क्या होगे, स्लाइडर क्रैंक चैन एंड इट्स इन्वर्जन, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। अभी तो शायद इतने सारे टॉपिक्स सुन करके शायद आपका दिमाग घूम गया होगा, पर बहुत ईजी है, ज़्यादा घबराइए नहीं और बहुत सिंपल भी है, बहुत ईजी वे में हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के टॉपिक्स को। ठीक, टोम की बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक, थ्योरी ऑफ मशीन को हमने दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक, अब भाई दो पार्ट में क्यों बांटा गया, इसका क्या रीज़न होगा? तो भाई बांटने का कारण ये है कि भाई चीज़ें बहुत सारी होती है। मान लीजिए मैंने आपको एक सिक्कों से बड़ी भरी एक बड़ी थैली दे दी, अब उसमें बहुत सारे प्रकार के सिक्के होंगे। तो भाई मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 5 के मुझे 10 सिक्के निकाल के दीजिए तो आपको ढूंढने में और निकालने में बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर मैं आपको वही थैली अलग अलग सिक्कों की दे दूं तो आपसे कहूं कि 10 सिक्के निकाल दो तो वो निकालने में आपको ईजी होगा। तो सेम फंडा है आपके पढ़ाई में भी कि भाई अगर आपको स्टोर रखना है, समझना है, चीज़ों को और आगे लेकर चलना है, उनमें और बढ़िया अच्छे सकारात्मक सुझाव लेकर आने हैं, ठीक, तो परिणाम लेके आने हैं, तो उसके लिए तो भाई चीज़ों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज रख कर हमको पढ़ना होगा। ठीक, तो टोम को हमने बांटा है दो कैटेगरी में, एक है कोम और दूसरा है डोम। कोम की अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, और डोम की अगर हम बात करें इसे फुल फॉर्म में कहते हैं जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन, ये टोम की या मैकेनिक्स की दो ब्रांच होती है। अब काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन की अगर बात करते हैं तो इसमें लिखा है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि कोम में जो होता है मोशन की स्टडी की जाती है, किसी मशीन में हो रही मोशन की स्टडी तो करेंगे, लेकिन जो एक वर्ड देखिए आपने इसमें जो लिखा है विदाउट कंसिडरिंग ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मतलब गति किस कारण से हुई है उसकी स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है ना, सिर्फ गति की स्टडी करना है तो वो आएगा आपका कोम में। मतलब कोम में हम जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं है ना भाई, जितनी भी बहुत सारी चीज़ें आएगी तो इसमें सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं कि कोई चीज़ गतिमान हो रही है तो सिर्फ उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ऐसी हो रही है ऐसी हो रही है, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे हम कि ये किस कारण से हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम उसमें गति की स्टडी करने वाले कितनी हो रही है, कहाँ से हो रही है ये नहीं, कितनी हो रही है और भी जो भी सारी चीज़ें हैं एंटी क्लॉकवाइज हो रही है कि क्लॉकवाइज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें किस पोजीशन में हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके कॉज के बारे में या कारण के बारे में नहीं पढ़ने वाले कि गति हमने किस कारण से किया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सभी ने अपने घरों में देखा होगा नवरात्रा या गणपति महोत्सव के समय में आपके जो देवी देवता होते हैं स्टैचू जो होते हैं उनके सर पीछे हम थोड़ा पीछे एक चक्र जैसे लगाते हैं, ठीक है, अच्छे सुंदर शोभायमान के लिए। तो उसमें आप देखिएगा कि उस चक्र को हम लगाते हैं बहुत अच्छे तरीके से वो घूमता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो भी
अब चक्र तो आपको दिखता है, लेकिन वो उसके पीछे लगी हुई वो चक्र किस तरीके किससे घूमता है, तो आप बिल्कुल जानते हैं, एक मोटर के थ्रू घुमाया जाता है उसे। तो अब हमें वो मोटर नहीं दिखती, तो हम भाई सिर्फ चक्र को देख रहे हैं, ना कि वो मोटर को देख रहे कि कितनी आरपीएम की, कैसे घूम रही है, किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। ये इतना ज़्यादा चीज़ें हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो हमने समझा कि भाई इस टाइप की जो स्टडी होगी कि भाई हमने चक्र को देखा, अच्छा दिखा, जो भी दिखा, जैसा हुआ, वो सारी चीज़ें जो दिखी वो हुआ हमारा कुंभ के अंतर्गत। लेकिन अगर हम अब पढ़ रहे हैं कि भैया चक्र किस वजह से घूम रहा है, तो वो आ जाएगा आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन में, कि भाई मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन भी और किस कारण से मोशन जनरेट हुई, इन दोनों की स्टडी करना है हमें। वो करेंगे हम डायनेमिक्स ऑफ मशीन में, जो कि होगा डोब में, या आपको पॉलिटेक्निक में सिक्स सेमेस्टर में रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें डेफिनेशन की। अगर बात कर लें तो स्टडी ऑफ मोशन मशीन विदाउट विथ कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब इसमें कंसिडर किया जाता है कॉज ऑफ मोशन को। तो हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं कि इसमें किसी मशीन में होने वाली गति तथा उसके कारण दोनों का अध्ययन किया जाता है, कि किस बल से और किस कारण से वो मशीन में गति उत्पन्न हुई है। तो थ्योरी ऑफ मशीन जैसे आपने देखा भाई, तो अब आते हैं, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के थ्योरी ऑफ मशीन के। जैसे कि आपको डेफिनेशन में दिया है, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई थ्योरी ऑफ मशीन मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बड़े मज़े से पढ़िएगा तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी, और डेली यूजेस में होने वाली मशीनों की मैकेनिज्म भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन की। तो इसमें डेफिनेशन में दिया आपको, द सब्जेक्ट टर्म मे बी डिफाइंड एज दैट द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन एंड फोर्सेस विच विच एक्ट्स ऑन देम। द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर एन इंजीनियरिंग इन डिजाइनिंग वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। जैसे इसमें बोला है कि द सब्जेक्ट टर्म मे बी डिफाइन अस दैट, मतलब भाई जो थ्योरी ऑफ मशीन है, इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा जिसमें कि इंजीनियरिंग ब्रांच की वह शाखा जिसमें कि आपकी जो होते हैं किसी मशीन में होने वाले जो पार्ट होते हैं उनके आपस में जो मोशन होता है। ठीक है, मशीन में भाई बहुत सारे पार्ट्स हो गए, आपस में उनके बहुत सारे रिलेटिव मोशन होगा, तो उन मोशंस के बारे में, आपस में उनके सापेक्ष गतियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, वो आपकी कहलाती है थ्योरी ऑफ मशीन। साथ ही साथ यह नॉलेज इसलिए लिया जाता है, जैसे इसमें बोला है, द सब्जेक्ट इज इसेंशियल फॉर इंजीनियरिंग इन डिज़ाइनिंग द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन, मतलब भाई आपको इंजीनियरिंग में कोई मशीन के पार्ट डिज़ाइन करने हैं, कोई चीज़ें डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो ए से जेड तक के हम इस सब्जेक्ट में मशीनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन को अगर हम देखें, थ्योरी ऑफ मशीन को दो कैटेगरी में, जैसे हमने देखा, डिवाइड किया गया है, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। ठीक, तो अगर हम डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स को ले, तो काइनेमेटिक्स से हमने में देखा कि क्या होता है, डायनेमिक्स में भी हमने देखा कि क्या होता है। ठीक, स्टार्टिंग में हमने पढ़ चुका है कि डायनेमिक्स में क्या होगा और काइनेमेटिक्स में क्या होगा, तो डोम और कुंभ में देखा है। ठीक, तो हमें अच्छे तरीके से याद आ गया है कि भाई आपकी जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन है ना, डोम में, इसमें होता है कि फोर्स प्लस मोशन, मतलब गति किस कारण से हुई है और गति हो रही है, इन दोनों का, गति का, दोनों का अध्ययन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको डोम में। और काइनेमेटिक्स मतलब कोम में होगा कि सिर्फ हम मोशन की स्टडी करेंगे भाई, उसमें हम किस कारण से आपकी गति हो रही है इसकी जानकारी नहीं रखते, तो ये आ जाता है आपका काइनेमेटिक्स में। जैसे कि आपने देखा है कि डायनेमिक्स को आपको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तो पहला है आपका काइनेटिक्स और दूसरा है आपका स्टैटिक डायनेमिक को। ठीक, काइनेटिक और स्टैटिक को आगे हम समझेंगे, पहले आप फ्लो चार्ट हो सके तो आपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, समझने और आंसर राइटिंग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, थ्योरी ऑफ मशीन की बात करते हैं अब फाइनली, कि थ्योरी ऑफ मशीन है क्या भाई, जब से हम चिल्ला रहे हैं, पढ़े जा रहे थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन, तो लेकिन ये थ्योरी ऑफ मशीन है क्या, तो चलिए देखते थ्योरी ऑफ मशीन क्या है। द मशीन रिसीव एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूज इट टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। ठीक, हालांकि यहाँ भी डेफिनेशन बहुत अच्छी दी है, और एक सिंपल डेफिनेशन बता दो, मशीन भाई एक मशीन एक ऐसी चीज है जो आपके काम को आसान कर दे। ये इसी बात को इसने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि मशीन एक ऐसी युक्ति है जो
आपके पास में उपलब्ध ऊर्जा उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क में कन्वर्ट करके देती है, वो आपकी कहलाती मशीन। मतलब कि भाई आपके पास में एनर्जी है, एनर्जी का यूज़ करके आपका एक कोई पर्टिकुलर वर्क हुआ, दैट इज़ कॉल्ड मशीन। एक एग्जांपल लेते हैं वॉशिंग मशीन का। तो भाई वॉशिंग मशीन में भाई आपके पास एनर्जी थी इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब भाई आपको कपड़े धोना था, आपका काम बहुत सारा था, बहुत सारे कपड़े थे और आपके पास में इतनी एनर्जी नहीं थी, आपका कोई भी रीज़न हो उस वजह से जो आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या काम किया कि एनर्जी और मशीन इन दोनों का यूज़ करके आपने अपने वर्क को आसान बना दिया, आपका काम भी हो गया और एनर्जी का यूज़ भी हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपने कहा कि भाई मशीन रिसीव एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी तरह की आपकी एनर्जी होगी उसका यूज़ करके एक तरह का पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क हमने परफॉर्म किया, तो वो हमारा कहलाई मशीन कहलाई। ठीक, आगे हम देखते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को कि स्टैटिक और डायनेमिक्स होता क्या है। तो जैसे हमने देखा कि स्टैटिक्स में इट डील विद द स्टडी द फोर्स एक्टिंग ऑन द मशीन इन रेस्ट। मतलब कि इंजीनियरिंग की इस शाखा में क्या होता है कि जब मशीनिंग के कंपोनेंट जब रेस्ट की कंडीशन में हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं तो वो जो स्टडी की जाती है वो आपकी होती है स्टैटिक के अंतर्गत। और अगर हम बात करें कि भाई डायनेमिक्स की, तो इट डील विद द स्टडी द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। मतलब कि अगर आपकी मशीन में अब वो भी स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, जितने भी पार्ट्स आपकी मशीन है ना, उसके ऊपर जो भी फोर्स एक्टिंग हो रहा है और उनके जो सभी पार्ट की जो स्टडी करनी होती है वो आती है आपके डायनेमिक्स के अंतर्गत। तो आई होप कि आपको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स की बात करते हैं और काइनेटिक्स की बात करते हैं। भाई काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि देखिए नाम इनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन से इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई काइनेमेटिक्स में होता ये है कि भाई आप कोई मशीन घूम रही है तो सिर्फ उसकी घूमने गति की अवस्था को देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, न कि उसके कारण को कि भाई ये मशीन या चीज़ घूम किस वजह से रही है, इसकी स्टडी हम बिल्कुल नहीं करते। ठीक, तो ये होता है आपका काइनेमेटिक्स में। अब अगर हमने बोला है इसमें अगला एक सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में तो वही चीज़ें बताई, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फोर्सेज विच प्रोड्यूस दैट मोशन। मतलब हम फोर्सेज को क्वाइट कर देते हैं जो कि उसको मोशन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, तो वो होता है आपका काइनेमेटिक्स के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट्स में इसमें आपको क्लियर किया है कि भाई इट इज़ द स्टडी ऑफ पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब इसमें हम किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे, तो पहला इसने बोला है पोजीशन, कि भाई आपकी जो बॉडी है, किसी टेबल पे मान लीजिए कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो वो किस पोजीशन में रखा है, सेंटर पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है, लेफ्ट में रखा है, राइट में रखा है, किस पोजीशन में रखा है, वो होगा आपका। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि भाई आपकी बॉडी डिस्प्लेस किस तरीके से हो रही है। ठीक, रोटेशन मतलब रोटेशन, वो रोटेशन कैसे कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। स्पीड क्या है उसकी, लो स्पीड है कि हाई स्पीड है या मीडियम स्पीड है, ये स्पीड हो गया। वेलोसिटी कैसी उसकी, वो भी हाई वेलोसिटी से चल रही है कि लो वेलोसिटी से चल रही है। लास्ट है आपका एक्सेलरेशन, कि भाई एक्सेलरेशन। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, ये जो सेवन पॉइंट्स है इनकी स्टडी हम करेंगे काइनेमेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स की को डिफाइन करेगा। आगे बात करते हैं काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स में होगा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्स विच अराइज ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट। मतलब कि इसमें बोला है कि इनर्शिया फोर्सेस आपको बिल्कुल पता है भाई, जड़त्व की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपकी जो भाई बश का आपने तो बहुत अच्छे से याद रखा होगा इनर्शिया का एग्जाम्पल। ठीक, तो उसमें वही होगा कि भाई इट इज़ द स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्स विच अराइज ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट। मतलब कि इनर्शिया फोर्स जो होता है आपका और जड़त्व बल जो होगा और उसके साथ में उसके कंबाइन इफेक्ट, उनकी जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका काइनेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हम देखा कि भाई इनर्शिया में हमने देखा जड़त्व में भाई बॉडी अगर आपकी रेस्टी रहेगी, अगर उसमें अचानक से अगर हम मोशन कर देते हैं, जैसे कि बस में बैठे यात्री होते हैं, रेस्ट में होते हैं, अचानक से बस चल पड़ती है तो बॉडी थोड़ा पीछे की ओर झुकती है। सेम अपोजिट होता है आपके, जब बस चलती हुई होती है और अचानक से अगर ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। ठीक,
तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये इनर्शिया के कारण ही होती है। ठीक, तो आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन में स्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जब भी हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं या किसी मशीन को बनाते हैं या किसी व्हीकल को बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसी के ऊपर पूरी बॉडी तैयार होती है। या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए, या कोई मूवी का कोई सेटअप तैयार होता है तो उसका भी पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तब जाकर के वो चीज़ें उसके ऊपर वो स्टेज बनता है। ठीक, तो वो स्ट्रक्चर हुआ आपका। या फिर आपके घरों का एग्जांपल ले लीजिए, घर में शादी ब्याह होता है तो उसमें आपका जब घर में जो डेकोरेशन लगता है तो पहले वो एक पाइप के थ्रू स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, देन उसके बाद में आपके टेंट वाले पर्दे बांधना स्टार्ट करते हैं और डेकोरेट करते हैं। तो वही है स्ट्रक्चर आपका, कि भाई स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मशीन थ्योरी ऑफ मशीन में भी आपके स्ट्रक्चर ही हो गए। भाई मशीन बन रही तो भाई किसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस होगी, तब जा करके आपकी मशीन परफॉर्म कर पाएगी और एक अलग अलग शेप एंड साइज में आपको दिखेगी। तो स्ट्रक्चर में हमने देखा, इसमें डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द डिफाइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन, इट इज़ द डिफाइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड और रेजिस्टेंस बॉडीज असेंबलीज, दे हैव नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन देन एंड ट्रांसमिट ओनली फोर्सेज। मतलब इसमें बोला है कि भाई एक दो तीन ऐसी कंबाइन बॉडी को, रिजिड जो बॉडी है, जैसे आपकी ये बॉडी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये इस तरह की आपकी बॉडी हुई, इनको अगर हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है, तो जोड़ने के बाद में आपने हमने देख इसमें अगर हम देखें तो एक तरह का आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक, तो इसमें बोला है कि रेजिस्टेंस बॉडी, रेजिस्टेंस बॉडी मतलब इनमें कोई भी ऐसा एक तरह का, मतलब एक तरह की प्रतिरोधी बॉडी होगी। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए इस पार्ट को मैंने उठा के लाया, इसको मैं मोड़ रहा हूँ तो ये मुड़ेगी नहीं, वो उसका रेजिस्टेंस करेगी, प्रतिरोध करेगी, तो इस तरह की प्रतिरोध बॉडी होगी। और आगे कहा है कि इनके आपस में बिल्कुल रिलेटिव मोशन नहीं होगी। आपने देखा होगा कि स्कूल के ग्राउंड्स में भी कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, या फिर अगर हम आप प्ले ग्राउंड वगैरह गार्डन वगैरह में जाओ तो वहाँ भी स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं। तो ये जो घर का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, तो भाई इसमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी इनके पार्ट्स के बीच में। हाँ, लेकिन ये जो पार्ट्स हो गए ये फोर्सेस को ट्रांसमिट कर सकेंगे। मान लीजिए एक पावर को मैंने यहाँ दिया तो ये पावर यहाँ तक के भी जाएगी। ठीक है, तो ये जो बोला है ये इस तरह का जो आपकी संरचना कहलाएगी, ये आपका स्ट्रक्चर कराएगी। मशीनिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है भाई, घर देख के आप ये नहीं समझिएगा कि पावर दिया तो ये कहाँ से घूमेगा और ये कहाँ से घूमेगा, एक मशीनिंग स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें हमने देखा कि मशीनिंग स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म की बात करते हैं फाइनली कि आपकी मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म के डेफिनेशन से हम देखते हैं, एन असेंबली ऑफ मूविंग पार्ट्स परफॉर्मिंग अ कंप्लीट फंक्शन मोशन। मतलब कि भाई आपने इसमें बोला है कि भाई ये एक तरह का एक मशीन एक तरह की बहुत सारी मैकेनिज्म जो होती है आपकी मूविंग पार्ट्स की असेंबली होती है। मतलब बहुत सारे मूविंग पार्ट्स को आपस में हमने जोड़ दिया तो वो जो एक कंप्लीट फंक्शन करेगा आपका मोशन का, तो वो जो कहलाएगी आपकी वो मैकेनिज्म कहलाएगी। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो भाई एक घूमती हुई चीज़ है हमारे पास में, मान लीजिए एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट, दूसरे शाफ्ट को तीसरे शाफ्ट, फिर तीसरी को चौथी से, वो अगर सारी की सारी शाफ्ट को आपस में जोड़ दिया तो भाई वो जो आपकी स्ट्रक्चर कहलाएगा वो आपकी कहलाएगी मशीन मैकेनिज्म कहलाएगी, कि जो कि आपकी मोशन होती हुई दिखाई देगी। ठीक, आगे हम बात करते हैं, अ मैकेनिज्म इज़ अ डिवाइस डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म इनपुट फोर्सेस एंड मोमेंट इनटू अ डिजायर्ड सेट ऑफ आउटपुट फोर्सेस एंड मोमेंट। मतलब इसमें बोला है कि भाई एक ऐसी तरह के डिज़ाइन की होती है मैकेनिज्म, ऐसी डिवाइस होती है जो कि जिसमें कि हम एक इनपुट पावर दो तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का डिजायर्ड आउटपुट फोर्स या मूवमेंट देगी, तो वो जो आपकी कहलाएगी वो मैकेनिज्म कहलाएगी। मैकेनिज्म जनरली कंसिस्ट ऑफ मूविंग कंपोनेंट्स सच अस गियर्स एंड गियर ट्रेन्स, बेल्ट्स एंड चैन्स, ड्राइव्स, केम्स एंड फॉलोवर्स, मैकेनिज्म एंड लिंकेज, अस वेल एज फंक्शन डिवाइसेस सच अस द ब्रेक्स एंड क्लचेस एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स सच अस द फ्रेम, फास्टनर्स, बियरिंग्स, स्प्रिंग्स, लुब्रिकेंट्स एंड सील्स, एज वेल एज अ वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन्स एलिमेंट्स सच एज द स्पिनिस पिंस एंड कीबोर्ड्स। तो ये सारी की सारी जो आपने देखा ये मैकेनिज्म और मशीन के अंतर्गत हमने इनको देखा है। ठीक है,
आपने बोला है कि मैकेनिज्म जो जनरली होती कंसिस्ट होती है मूविंग कंपोनेंट की। जैसे मूविंग कंपोनेंट की बात कीजिए, गियर्स होते हैं घड़ी के, जो गियर्स होते हैं ये आपस में मूव करते हैं, या फिर आप बोल लीजिए कि लिंक जो होते हैं वो भी आपस में मूवमेंट करते हैं। हाँ, लिंक की यहाँ पे बात बता दो, आपके लिंक जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक तरह से हम अगर देखें तो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या उनकी संरचना के आधार पे तो बाइनरी, सेकेंडरी, टर्नरी, क्वार्टरली, इस तरीके के आपके ये लिंक होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर ट्रांसमिशन के बेसिस पर भी होते हैं। एक होता है रिजिड लिंक, दूसरा होता है फ्लैक्सिबल लिंक, और तीसरा होता है फ्लूड लिंक। तो इस तरीके से आपके ये भी लिंक्स होते हैं। ठीक, फ्लूड लिंक के आपके एग्जांपल जो है आपका वो जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं वो आपके फ्लूड लिंक के एग्जांपल होते हैं। रिजिड लिंक का एग्जांपल मगर अगर हम बात करते हैं तो रिजिड लिंक मतलब बॉडी रिजिड रहेगी, वो आगे पावर ट्रांसमिट करेगी, जैसे आपकी शाफ्ट हो गई, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिजिड लिंक। और फ्लैक्सिबल लिंक की अगर बात करते हैं तो जैसे आपकी चैन हो गई, बेल्ट हो गई, भाई इसमें जिसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है, पावर ट्रांसमिट करेंगे सारे के सारे, लेकिन इसमें जो फ्लैक्सिबिलिटी होगी तो ये जो आपके एग्जाम्पल होगी वो हो गया आपके लिंक के एग्जाम्पल। ठीक, तो हमने जैसे देखा इसमें जो आपकी बियरिंग वगैरह भी देखा, तो मैकेनिज्म में जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे मूविंग पार्ट्स होंगे, आपस में वो मूवमेंट करने वाले होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इस टॉपिक को हम यही एट दी एंड करते हैं, और मैकेनिज्म की आगे कल हम पढ़ने वाले हैं मशीन के बारे में। ठीक, मशीन हमने देख लिया, वैसे चलते चलते एक बार देख ही लेते हैं। इट इज़ अ डिफाइंड अस अ डिवाइस विच रिसीव एनर्जी एंड ट्रांसमिट इट इनटू सम यूजफुल वर्क। मतलब हमने देखा कि भाई मशीन एक ऐसी युक्ति है जो उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करके मनुष्य का काम आसान कर दे या कोई अच्छा काम कर दे, वो आपकी कहलाती मशीन कहलाती है। ठीक, जैसे बोला है इफ़ द मैकेनिज्म इज़ यूज टू ट्रांसमिट पावर टू डू वर्क देन इट नोज मशीन्स। मतलब बोला है जब कोई मैकेनिज्म पावर को ट्रांसमिट करती है और एक तरह का कोई वर्क करती है तो वो फिर कहलाती मशीन। ठीक, हर एक मैकेनिज्म मशीन नहीं होगी भाई, अगर एक पर्टिकुलर पावर को वो ट्रांसमिट कर रही है और एक अच्छा वर्क करके दे रही है आपको, पर्टिकुलर टाइप का जो आपको डिजायरेबल है, तब वो मशीन कहलाती है। वी कैन डिफाइन मशीन एज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मोशन एंड फोर्स और पावर फ्रॉम द इनपुट दैट इज अ सोर्स टू आउटपुट दैट इज़ द लोड। मतलब इसमें हम वही बताया गया है कि भाई अगर हमको इनपुट दे रहे हैं तो उसको वो ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, और फिर उस मोशन को कुछ पर्टिकुलर वर्क में कन्वर्ट करके दे रही है। तो ये जो सारी चीज़ें अगर हमने कही तो वो कहलाती है आपकी मशीन। ठीक, तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे के टॉपिक्स हम कल कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपके होगा काइनेमेटिक्स लिंक के बारे में, और भी जो आगे आगे के आपके टॉपिक होंगे वो हम अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए, ठीक है, आप सभी लोग अच्छे रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।